2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अलावा देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। इस साल लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती है। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को मुंशी लाल बहादुर शास्त्री के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम रामदुलारी था और पिता का नाम मुंशी प्रसाद था। शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता देवी था। शास्त्री जी एक कुशल नेतृत्व वाले गांधीवादी नेता थे और सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले शास्त्री जी एक शांत चित्त व्यक्ति भी थे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों को। लाल बहादुर शास्त्री ने विषम परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की। कहा जाता है कि वह नदी तैर कर रोज स्कूल जाया करते थे, क्योंकि जब बहुत कम गांवों में ही स्कूल हुआ करते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। शास्त्री जी का विवाह 1928 में ललिता शास्त्री के साथ हुआ, जिनसे 2 बेटियां और 4 बेटे हुए। लाल बहादुर शास्त्री ने 1921 के असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा। सेना के जवानों और किसानों का महत्व बताने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने से पहले रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उनके शासनकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई। देश भुखमरी की समस्या से गुजरने लगा था। उस संकट के काल में लाल बहादुर शास्त्री ने अपना तनख्वाह लेना बंद कर दिया। देश के लोगों से लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी कि वो हफ्ते में एक दिन एक वक्त व्रत रखें। 11 जनवरी 1966 वो दिन था जब भारत ने अपने दूसरे प्रधानमंत्री को अपने बीच से खो दिया था, लेकिन आज भी उनकी छवि देशवासी के हर दिल में बनी हुई है।